वैसे आज मुझे आपकी सापार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और अपने जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं, और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग की चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस कांग्रेस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। वैसे आप लोगों को इस पार्टी के बारे में ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे पहले केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में ना तो आप लोगों की गरीबी दूर हो पाई, ना बेरोज़गारी दूर हो पाई, और ना ही हमारे किसान लोग हमें खुशहाल नज़र आए, और ना ही जो अन्य ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनकी ज़रूरतें पूरी होती हुई नज़र आई। तो और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के तहत खासकर इस देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो कानूनी अधिकार दिए थे तो उसका भी पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी अपने लोगों को ये कहा कि मैंने आप लोगों को कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं लेकिन उसका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि यदि आप लोग सही मायने में तो कानूनी अधिकारों का लाभ लेना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच के मुताबिक चलकर फिर हम लोगों ने 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियों का भी गठन हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ, आज जो केंद्र में और देश के अधिकांश राज्यों में भी जो भारतीय जनता पार्टी हमें सत्ता में नज़र आ रही है और जिसके तानाशाही वाले राज में, अहंकारी वाले राज में जो आप लोगों का शोषण उत्पीड़न आदि हो रहा है, तो इसके लिए भी वास्तव में सही मायने में कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। यदि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से कार्य करती होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी आज हमें केंद्र और देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता में हमें नज़र नहीं आती। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में
अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी।